नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर स्पेक्ट्रम से आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ा रहा हूँ, और जो कि राजीव भाई की किताब है। और इस किताब से हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर सारे चैप्टर का सारांश समरी पढ़ रहे हैं। तो आज हम चैप्टर नंबर 16 का सारांश समरी पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आपका ये चैप्टर नंबर 16 जो है इकाई 7 में आएगा, जिसका इकाई 7 का नाम है जन राष्ट्रवाद के युग का शुभारंभ। तो जन राष्ट्रवाद के युग का शुभारंभ 1919 से लेकर 1939 तक, और इसमें आपको अध्याय 15 से 21 तक मिलेगा, ठीक है चैप्टर। तो अध्याय 15 से लेकर 21 तक, तो चलिए इसका सारांश देखते हैं चैप्टर नंबर 16 का। तो चैप्टर नंबर 16 का सारांश हम आगे पढ़ेंगे। अध्याय 16 इसका नाम है खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन। तो चैप्टर नंबर 16 में हमें पढ़ना है खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन, और इसी का आज हम लोग पढ़ेंगे सारांश समरी, ठीक है। तो देखिए आपके सामने सारांश आ गया, समरी आ गया, ठीक है, चैप्टर नंबर 16 का, ठीक है। तो खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन, तो इसमें आपके तीन मांगे थी। तो खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन तीन मांगे, तुर्की के साथ सम्मानजनक व्यवहार होना चाहिए, सरकार पंजाब में हुई ज्यादतियों का निराकरण करे और स्वराज की स्थापना करे, ठीक है। तो खिलाफत असहयोग आंदोलन की तीन मांगे थी। तो तुर्की के साथ सम्मानजनक व्यवहार करे, सरकार पंजाब में हुई ज्यादतियों का निराकरण करे और आपका स्वराज की स्थापना करे, ठीक है। प्रयुक्त की गई तकनीकें, तो आपका तकनीक जो प्रयुक्त की गई थी, तो सरकारी शिक्षण संस्थाओं, सरकारी न्यायालयों, नगर पालिकाओं, सरकारी सेवाओं, शराब तथा विदेशी कपड़ों का बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं एवं पंचायतों की स्थापना एवं खादी के उपयोग को प्रोत्साहन आंदोलन के द्वितीय चरण में करना अदायगी कार्यक्रम था ये, ठीक है। तो सरकारी शिक्षण संस्थाओं, सरकारी न्यायालयों, नगर पालिकाओं, सरकारी सेवाओं, शराब तथा विदेशी कपड़ों का बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं एवं पंचायतों की स्थापना एवं खादी के उपयोग को प्रोत्साहन आंदोलन के द्वितीय चरण में करना अदायगी कार्यक्रम शुरुआत हुई थी, ठीक है। प्रयुक्त की गई तकनीकें थी आपका खिलाफत असहयोग आंदोलन की। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 में हुआ, तो कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन 1920 में दिसंबर में कांग्रेस ने संवैधानिक तरीके से स्वशासन प्राप्ति के अपने लक्ष्य के स्थान पर शांतिपूर्ण एवं न्यायोचित तरीके से स्वराज प्राप्ति को अपने लक्ष्य घोषित किया, ठीक है। तो कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन 1920 में दिसंबर कांग्रेस ने संवैधानिक तरीके से स्वशासन प्राप्ति के अपने लक्ष्य के स्थान पर शांतिपूर्ण एवं न्यायोचित तरीके से स्वराज प्राप्ति का अपना लक्ष्य घोषित किया था, ठीक है। आंदोलन का प्रचार, तो जन आंदोलन जन प्रतिक्रिया, मध्यम वर्ग, व्यवसायिक वर्ग और किसान सब शामिल थे, तो विद्यार्थी और महिलाएं तो ये भी शामिल थे आपके। तो आंदोलन का प्रसार खिलाफत असहयोग में, तो जन प्रतिक्रिया थी, मध्यम वर्ग भी शामिल था, व्यवसायिक वर्ग भी शामिल था, किसान भी शामिल थे और महिलाएं और विद्यार्थी भी शामिल थे, ठीक है। यहाँ पर आपको हिंदू मुस्लिम एकता दिखाई पड़ी, ठीक है। हिंदू मुस्लिम ने साथ में यहाँ पर जो है कार्य किया, ठीक है, आप विद्रोह किया। सरकार की प्रतिक्रिया किसमें क्या थी, आंदोलन का अंतिम चरण, तो आपका जो है असहयोग आंदोलन का अंतिम चरण कैसे समाप्त हुआ, तो आपका चौरी चौरा कांड, तो चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 क्रूर भीड़ द्वारा हिंसा घटनाएं, जिसके फलस्वरूप गांधी जी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया। तो आंदोलन का अंतिम चरण, तो चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 क्रूर भीड़ द्वारा हिंसा घटनाएं, जिसके फलस्वरूप गांधी जी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया, गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे खिलाफत और असहयोग आंदोलन का मूल्यांकन क्या था, उसको हम जो है चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी हम लोग सारांश पढ़ रहे हैं सबरी, ठीक है। तो आपका सारांश रहेगा तो आप आराम से लिख सकते हैं, कोई भी अगर सब्जेक्टिव आंसर होगा तो, ठीक है। तो हम अब हम इसके बाद रिवाइज करेंगे सारांश का चैप्टर नंबर 16 का। तो खिलाफत असहयोग आंदोलन तीन मांगे, तो तुर्की के साथ सम्मानजनक व्यवहार, सरकार पंजाब में हुई जनजातियों का निराकरण करे, स्वराज की स्थापना, तो प्रयुक्त की गई तकनीकें, तो सरकारी शिक्षण संस्थाओं, सरकारी न्यायालयों, नगर पालिकाओं, सरकारी सेवाओं, शराब तथा विदेशी कपड़ों का बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं एवं पंचायतों की स्थापना एवं खादी के उपयोग को प्रोत्साहन आंदोलन के द्वितीय चरण में करना अदायगी कार्यक्रम शुरू हुआ। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 में, तो कांग्रेस ने संवैधानिक तरीके से स्वशासन प्राप्ति के अपने लक्ष्य के स्थान पर शांतिपूर्ण एवं न्यायोचित तरीके से स्वराज प्राप्ति को अपना लक्ष्य घोषित किया था। आंदोलन का प्रचार, जन प्रतिक्रिया, मध्यम वर्ग, व्यावसायिक वर्ग और आपका किसान, महिलाएं और
विद्यार्थी शामिल थे। यहाँ पर आपका इस आंदोलन में हिंदू मुस्लिम एकता दिखाई पड़ा। सरकार की प्रतिक्रिया क्या थी खिलाफत आंदोलन में? आंदोलन का अंतिम चरण तो चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को युद्ध भीड़ द्वारा हिंसा घटनाएं, जिसके फलस्वरूप गांधी जी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया। नेक्स्ट है गांधी जी ने आंदोलन वापस क्यों लिया, इसको पढ़ेंगे। खिलाफत और असहयोग आंदोलन का मूल्यांकन देखेंगे। आज के लिए आपका वीडियो जो यहाँ पर समाप्त होगा। तो आज के पास इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।